हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में ज़बरदस्त सी मैं आपके लिए जो सा होम रेमेडी लेके आई हूँ फॉर हेयर्स, आपके बालों के लिए। इनके बाल बहुत ज़्यादा अजीब से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन नहीं रहा बिल्कुल भी इनके बालों में, और बहुत ज़्यादा अजीब से फ्रीजी से बाल हैं। उनको आज जी शाइनी और सिल्की बनाने के लिए ज़बरदस्त सी होम रेमेडी लेके आई हूँ मैं। बिल्कुल भी जो है ना मुश्किल रेमेडीज़ नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुश्किल चीज़ें एकदम से हम लोग नहीं ला सकते, ठीक है। बाज़ार जाना पड़ता है, फिर पंसार के पास जाओ, फिर अजीब अजीब सी जड़ी बूटियों के नाम होते हैं, तो वो अजीब सी लगती है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और मैं ना जाके ख़रीद सकती हूँ। मैं बहुत सारी इस तरह की रेमेडीज़ देखती थी कि भाई घर पे ही फटाफट से हो जाए, और हम अपने जिनसे ना बालों के लिए, अपनी फेस के लिए फटाफट से कोई हल निकाल लें, लेकिन अजीब अजीब जड़ी बूटियों के नाम होते थे। फिर मेरा दिल करता था कि भाई रहने ही दो, छोड़ो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें हों जो कि हमारे घर में मौजूद हों, और हम ईज़िली हम जो है ना उनका इस्तेमाल करके हम अपनी रेमेडी को तैयार कर लें, और हमें सुस्ती भी ना हो बनाने में और अप्लाई करने में, ठीक है। इसलिए मैं जो है ना अपनी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं ना उनके मसलों का हल यूँ लेके आती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स लेके आऊँ जो आपको फ़ायदा पहुँचाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट। हाँ जी, तो दही, दही मैंने ले लिया है 3 चम्मच, ठीक है, 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, ठीक है। अगर आपको 3 चम्मच कम लगे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर क्या करना है, आपने फ्रेश एलोवेरा लेना है, आपने घर का फ्रेश एलोवेरा लेना है, ठीक है। उसको इधर रखो, ये देखिए मैंने इतना सा लिया, ठीक है, इसमें से 2 चम्मच आराम से निकल आएगा। तो फिर क्या करना है, आपने इसको कट करना है, एक साइड से कट करना है, ठीक है, इस तरह इसको कट करेंगे। फिर इसको स्पून की मदद से, ठीक है, उतार लेना है। इसके आपने पीस पीछे जाए, पीछे बस पीछे, इसको आपने पीस नहीं बनाना, टुकड़े करके बीच में नहीं डालना, फिर वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसको हम स्पून की मदद से ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम इसको सारे को उतार लेंगे। ये फ्रेश एलोवेरा, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, ठीक है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपके हेयर्स को शाइनी करता है, आपके हेयर्स को स्मूथ बनाता है, और डैंड्रफ को रिमूव करता है, ठीक है। इस तरीके से ना पूरा हमने इसको ना रिमूव कर लेना है स्पून की मदद से। तो एलोवेरा जेल को मैंने निकाल लिया है, ये देखिए, दही के बीच में इसको मिक्स करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। फिर इसमें आपने क्या करना है, ऑयल, कोई सा भी ऑयल जो आपके हेयर्स को सूट करता है, वो आपने 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर देना है, ठीक है। ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, जो कि बालों के लिए वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। 1 टेबलस्पून आपने ऐड कर दिया, आप चाहें तो हनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। मम्मा, इसमें एलोवेरा जेल है और योगर्ट, इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, खूब सारा मिक्स करेंगे। फिर आपने बताया क्या करना है, इस हेयर मास्क को जो है ना आपने अपने स्कैल्प्स में अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, और आपने फिर मसाज करना है अपने हेयर्स का, ठीक है, अपने हेड का मसाज करना है। मसाज करने के बाद फिर आपने अपने हेयर्स को क्लोज करके आधे घंटे के लिए आपने जो है ना इसको लगा रहने देना, ठीक है। फिर आपने शावर कैप अपने बालों पे चढ़ा लेनी है, अगर नहीं है तो शॉपर जिंदा बाल शॉपर चढ़ा लें, क्योंकि हर घर में मौजूद होता ही होता है, ठीक है। और ये शॉपर मेरा है, मैंने बालों में लगाना है। तो जी चलें फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेते हैं और इसको लगाना शुरू करते हैं।
मेरा रोज़ा है और बहुत सख्त हंगर लगा हुआ है मुझे, क्या करें। अल्लाह ताला सब्र देने वाले हैं और सब्र देंगे। जी मैंने सही से मास्क अप्लाई कर लिया अपने बालों में, ठीक है। अब मैं जल्द से ये शॉप पर पहन लूँगी आधे घंटे के लिए, फिर आधे घंटे के बाद मैं हेयर वॉश करके आऊँगी और फिर आपको रिजल्ट बताऊँगी कि कितने स्मूथ और कितने शाइनी मेरे हेयर्स हो गए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हेयर्स को मैंने वॉश कर लिया है, तो ये अभी से इतना ड्राई नहीं हुए, तो मैं इनको ड्राई करके फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त स्मूथ और सिल्की और शाइनी हो गए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे बाल जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं, मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। देखें, स्मूथ शाइनी और सिल्की हेयर्स हो गए हैं। तो जिनके बाल जो बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं अपने बालों में हीट प्रूफ चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो उनको चाहिए कि वीक में दो दफ़ा इस हेयर मास्क को यूज़ करें, और जो लोग नहीं करते हैं वो वीक में एक दफ़ा यूज़ करें और मंथ में 4 times इसको यूज़ करें, और फिर आप देखें कि आपके हेयर्स कितने स्मूथ, कितने शाइनी और कितने सिल्की हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके लिए इससे भी अच्छी ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आऊँगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।